देखिए हैप्पी सुबह उठ के मामा के पास आ गई है और बुला रहे ताना नहीं थे। हैप्पी चलो चलो ऊपर चलो, कब जा ऊपर चलो हैप्पी जा, हैप्पी हमको सोने तो जा। हैप्पी कब चलो 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 नहीं जाएगी। स्वागत है, सुबह सुबह उठ गए मेरे पास आ गए, बोल रहे हम अभी नहीं जाएंगे बाहर तो आके हमको खींच रहे, अब जा रहे भैया लेके जा रहे, जा भी दे रहे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे अभी, हम नहीं जाएंगे अभी, जाएंगे ही नहीं, चलो अभी हम नहीं जाएंगे अभी, चलो हम जाएंगे नहीं। देख रहा मेरा मिल नहीं रहा इसको चबाने के लिए, ऊपर है भाग नहीं जाएगी, अब देखो देखो हाथ छुपा लिया, अब देखो नहीं जाएंगे देखो इसका स्विच हिल जा रहा है तो पकड़ लिए को हाथ में है, आरे को हाथ में कर रहा है, हवा दे रहा है एकदम, पूरा बाल सब बैठे पूरा चप्पड़ गंजू जैसे दिख रहे थे जैसे। तो हम बोले तो आके हवा ले रही है, बोले बाल सब सुखा रहे हैं, तो ऐसे दिखती है ना बाल से चिपक जाता है, तब भगवान उसी जगह पर लगाओ ना, यहाँ पर नहीं लग रहा है तो मेरा बाल घना नहीं है। अच्छा तो घना नहीं, किसी का भी बाल भीगने के बाद ऐसे चपड़ गंजू जैसे दिखता है, जिसका मोटा रहता है उसका उतना नहीं, अब इसमें भी नहीं लग रहा है क्या, अरे देखिए पलक निकाल दिए तब लग रहा है, ये वोल्टेज लाइन नहीं है क्या, वोल्टेज है क्या, छोड़ दे रहा बाबा ढीला है नहीं से, हाँ इसमें ठीक लग रहा है। अभी फ्रेश व्रेश हो के आ और मैं भी मुंह हाथ धो के रेडी हो चुका हूँ, अभी हम लोग नहीं अभी मुंह धोए, ठंडा इतना दे रहा है कहाँ, बापरे जीवन चल जाएगा, और तुम ना आ रहे हो तुम्हारा जाने हमको कब पता। इधर दोस्तों पापा ने इधर खाना खा लिया और बाकी अभी सब्जी बन रहा है पत्ता गोभी का, अरे पूरा परेशान करके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या, ब्रो मेरे पास आओ मेरे पास आओ, कहाँ गए तुम, ले 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 ठीक है ठीक 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 तुम्हारे पास ही रहेंगे, हार बांट देना दे भूख लग गया, और लाइन भी कट गया तेरा, तो इधर से हमारा बकरी जी बगल में बैठी हुई है और इधर से उसका मम्मी खा रही है, इसमें मतलब क्या ही बताया जाए इसको, हमको समझ में नहीं आता है कि यार क्या करेगी क्या ये है, और इसका ये देखो आँख का तेज क्या हुआ? एक मटर का छीनी छोटा सा उसको यदि फेंक दे ना तो वो भी कैच करके खा जाए, और आदमी तो क्रिकेट खेलता है इतना बड़ा बॉल आता है उसको पकड़ नहीं पाता। हम लोग जब बैडमिंटन खेलते हैं तो क्रॉक लेग भाग जाते हैं, मतलब इसका ये देखो कितना मतलब एकाग्रता बोल सकते हैं, कंसंट्रेट कि थोड़ा भी छोटा से छोटा बिंदु को मुंह में पकड़ लेगी, और हम लोग उतना बड़ा बॉल आता है हाथ में नहीं कैच पकड़ पाते हैं। बता रहे बार पगली बाकी देख रही, बाप रे एक भी नीचे नहीं जाना चाहिए सब एकदम, बारे 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 ये लो एक एक कैच, एक भी मतलब बाहर कैच के बाहर नहीं, और जो इधर छिलका से दे रहा है छिलका फेंक ना, देखे छिलका नीचे देखिए छोड़ दिए, अभी छोड़ दिया छिलका, अभी निकाल दिया, अभी निकाल दिया, नहीं तो सुबह के जितना छिलका था सब खा गई, अब वही वाला मिलेगा ना तो उसको वो वाला कहा जाएगा, दो दो रुक दिया छिलके, एक नंबर की बदमाशी रे, तब से इसीलिए कुइं 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 कर रही थी, कब तक छोड़ेगा और जाके खाएंगे, खत्म हो गया अभी बाय फाइव हो खत्म, ये तुम थोड़ा सा बोलो खत्म, हाथ में दिखा दो उसके बाद देना, वो कैसे करेगा देना नहीं इसको, एक भी नहीं देना, देख जितना बार मुंह में जा रहा उतना बार उसका मुंह उठ रहा है, खत्म हो गया हैप्पी, जाओ अब जा सो जा, जा नहीं है खत्म पाइप में, ए तू गिरा दिया देखा, गलती से गिर गया ले ली, देखे अरे तो पापा और क्या ला रहे हैं, क्या है अच्छा दूसरा क्या क्या बाड़ी वाड़ी शायद कुछ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी सब्जी हो गया है और खाना परोस दिया है यार, दिया सब्जी परोस दो, दे रहे बोला हम दे रहे, हां तो तो दादा मार बात हो चुका है, उसको थोड़ा सा ये ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ये लाड दो ना,
दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं फिर आप लोग से बात। और दोस्तों कल का वीडियो पे आप लोग बहुत लोग बताए हमें कि तुलसी जी को, तुलसी जी के मंदिर पे हमारे जैसे शिव जी का बेल पत्ता चढ़ता है ना, तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए। तो उसमें भी हम कंफ्यूजन है, किसी में बोल रहा है कि चढ़ाना चाहिए, किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। और पापा के ऊपर गुस्सा हो गए थे अंजलि कि वो ऐसे क्यों बोलना चाहिए ससुर जी को, क्योंकि कारण ये था कि कल क्या हुआ था ऐसे सीन कि वहाँ पर पापा बोल रहे कि तुम इस सब क्या रूल सिखा रहे हो, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो वही बोले कि नहीं, जो गलत है तो उसको नहीं करना चाहिए ना। तो हाँ तुम आ गए बड़े सिखाने वाले, बाहर से कहा उल्टा पुलटा पूरा बिहार उधर मतलब अलग ये के बोलने लगे क्षेत्र के लगे, उधर से सीख के आइए और इधर हम लोग को सिखाने चलिए। तो वही पे गुस्सा हो गए कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम कहो गलत बोलेगा। तो वही चीज़ में हो गया इनका, क्या बताएं। और इधर पाइप सब तेरा अभी हो गया है ना, तो बहुत ही आराम हो गया। तब देखते थे कितना हालत खराब हो जाती थी हमारी, इधर उधर भराई वाला। और रूम तो अभी जैसे कि हो गया ना, से समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बाबू बड़ा हो गया है, ऐसा हो गया ना, उठ ही बैठ नहीं पा रहे तो अभी दोस्तों अभी रूम सब हो गया ना इधर का, तो सामान वगैरह भी रखने में कुछ दिक्कत नहीं होता है ना, चलने वाले में दिक्कत ना कुछ। ये सब काम करना बाकी है पुट्टी का और ये वाला। पुट्टी के लिए तो भाई जो एक दोस्त है उनको कुछ पैसा एडवांस दे के भी रख दिया, उनको बोले जब भी काम होगा कर देना पूरा, हाँ हम कर देंगे। लेकिन क्या बताएं क्या रे काम, आज का मॉर्निंग का टाइम बाप रे बाप। S24 गैलेक्सी का S24 आ गया क्या यार, गैलेक्सी का पर कैमरा बड़ी मस्त रहता है, सही बता रहे हमको, खतरनाक वाला। हम तो सोचे थे अच्छा गैलेक्सी लगता है हमको, सही बता रहे। पेपर पढ़ते हैं? अरे ये नहीं, अभी कैमरा तो मेरा दिखा नहीं, उसमें ये आ गया, ये S24 आ गया, 23 हम सोच रहे लेंगे के, लेकिन हुआ सारे यूट्यूबर लोग S23 ही यूज कर रहा है, लेकिन मेरा ही वाला सिर्फ नहीं, और ना ही ना हो जाए। और ये जो है ना हैंगर में नहीं रखेंगे, काहे कि हैंगर में वो जो खिड़की का है ना, ये सब आता है तो झूल लग जाता है। अरे कपड़ा सब वहाँ पर रखी है, मतलब ये थैला में गंदा थैला है ना, इसमें कैसे रख दिए आप, अनवारी में रख देते, अनवारी है ना। अरे पेपर मेरा ही नहीं गया दोनों के चक्कर में। अरे तो कपड़ा तो उसको इसीलिए बता दे कि झोला में रख दिए। नहीं वह झोला में मत रखिए, तो इसको बाहर करिए, बाहर करिए, अलमारी में बहुत सारा कपड़ा है। अरे अच्छा ये अच्छा नहीं, वैसे कैसे तू वैसे प्याज वाला है उसी में रख दिए आप, दिक्कत थोड़ा थोड़ा हो रही तो क्या आपको। अरे दो गनवारी है घर में, आलू वाला झोला था उसमें भर के कपड़ा रख दिया, बोरे रख देते है बताओ, ऐसे भी कांड करे हाथ करके मेरा रख देगा ये लोग है। इतना गंदा नहीं दिख रहा है, सोना का ही सेट मिला, तू झोला रख दे तो निकाल के इसके चक्कर में रहे। झोला धो देना, बाड़ी तरफ ले जाकर धो दीजिए। तू यार घिंचाता नहीं, क्या करे झूठ मूठे, चल जान कपड़ा डरा के देखूँ दे झूठ मूठ कहीं देखो रे। लेकिन रे हमरा S23 वाला, अब तुम घिंचाता नहीं क्या कर रही पगली हमरी, एक सुर में जब बोलती है तो एकदम नस वस खड़ा हो जाता है तेरा बोलते बोलते, तो हमको रुक रुक के बोलने का आदत भी नहीं है। ये हेवी लेक्चरर बनेगी, हेवी लेक्चरर, जब बोलती है तो एक जैसा एक वे में बोलते रहती है, इसका मुंह बंद होने वाला है ही। इनका गंदा कपड़ा उसी, हाँ उसी रूम में रख दो। तभी दोस्तों ये वाला जो हमारा घर का काम है, अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा मतलब ढेरे अभी रुकना पड़ेगा, जो हमारा किचन में काम होगा रे, हम भी देख देख के सोचते हैं कि मेरा किचन बनेगा तो हम घुस के किचन में खाना बनाएंगे, पता नहीं कब होगा। और बच्चा हो जाएगा तो पता है हम क्या करेंगे, बता रहे हैं कि हम बहुत किसी को देखते हैं, यहाँ पे खाना बनाएंगे, अपना बच्चा को रख लेंगे, सुला देगा नहीं बैठा के रखा है, अच्छा रोटी मैंने कर दो चुप कराएंगे उसको। अरे बार बार यार दिमाग देखो अभी कुछ ही नहीं यार, इतना कुछ सोच के रख लिया। दोस्तों देख लिया आपने हमारा धर्म पत्नी जी का क्या का ही है। और देखो ये पटरा सब जो है ना, देखिए हमारा इतना सारा प्लाई जो मिला बचा हुआ था, फर्नीचर करवाए थे ना धनबाद में, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान में गए, हम लोग को पता नहीं था, फर्स्ट टाइम करवा लिए। और ये क्या बोलते मिस्त्री लोग बहुत छोटा छोटा पीस बर्बाद कर दिया अभी, हाँ बहुत सारा पीस, एक तो हमको लग रहा है फाड़ के उतना बेकार, वो सब तो काम ही नहीं, बीट सब तो काम ही नहीं लगा हमारा, एक भी नहीं। अब हम लोग को समझ में आ गया ना, तो अब हम लोग अच्छा से ही कराएंगे ये सब पटरा जो है ना, छत वाला बीम है ना, बीम में काम आ जाएगा क्या।
बीम वाला काम आ जाएगा उसमें लगाने के लिए, क्योंकि पटरा खोजना पड़ता था, छोटा छोटा पटरा सब काम आ जाएगा। और बाकी ये गोटा पटरा है उसका कुछ काम हो जाएगा, कुछ टेबल वेबल देने के लिए छोटा मोटा है। हाँ। छोटा काटी है उसको संभाल के रखना। देखो इतना बड़ा डेटोल जो है धनबाद से लाया, उसको कुछ यूज हुआ है? कुछ चोट वोट लगेगा तो उसको यूज करना। वो वाला पहले खत्म किया, अब इसका पारी है करने का। हाँ। तो चलो दोस्तों अभी देखा जाए हमारा। अभी किचन मेरा नहीं रहा, अभी किचन अभी बना ही नहीं। तुमको का हम खुद एक्साइटेड है, मेरा नया किचन कब बनेगा, खाना बनेगा। हम सोचे थे हमारा नया बाबू आने से पहले हमारा घर में घर का गृह प्रवेश करवा लेंगे, तब बाबू भी आएगा। हम लोग यही सोच के पता है घर स्टार्ट किए, क्योंकि कल दिन बाबू आएगा तो वो कैसे रहेगा। मतलब बाबू तो रहेगा रहेगा, लेकिन हम लोग सबको एक ही रूम में जगह नहीं हो रहा था ना, तो उसके कारण ही घर में मजा भी आ जाता है। कोई भी आएंगे तो होता है कि कोई एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं अपने आप को, क्योंकि वो लोग अच्छा अच्छा घर से ही आएंगे भाई। कोई कोई होते हैं मतलब अपने आप को ये चैनल पे एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, इसीलिए हम लोग सोचे थे कि फिर भी ये घर सब बन जाए तो अच्छा होता। अच्छा होता। लेकिन घर बन गया है, बस पुट्टी और टाइल्स का। हाँ। ये दो हो जाता ना कंप्लीट तो हम लोग का शांति मिल जाता, शांति मिल जाता। उसी शांति के लिए दिमाग अशांति बनता है, लगाते रहते हैं उसी शांति के लिए, दिमाग हमारे अशांति बनी हुई है। सही बता रहे, घर को। तो दोस्तों अभी देखा जाए कब तक हमारे घर बनती है, और तब तक ना बहुत जल्दी ट्राई, बहुत जल्दी की कोशिश कर रहे की बहुत जल्दी बन जाए। कब तक के चक्कर में रहेंगे, तब तो बुढ़ा गए और बनते रह गए हम लोग का घर। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक बाय बाय, जय हिंद। अब आप लोग को कैसा लग रहा है हम लोग का, मतलब ऐसे सीधा सिंपल साधा घर देख के, कि अब पहले जैसा चित्राया नहीं रहता था, अब आप लोग को भी उतना टेंशन नहीं होता होगा। नहीं तो हर बार वीडियो में आप लोग कमेंट करते थे कि साफ क्यों नहीं करके रखता है, क्योंकि हम लोग का घर में जगह ही नहीं रहता था, तो साफ कैसे होगा। अभी थोड़ा अब थोड़ा सा साफ सुथरा आपको देखने को मिलता होगा, क्योंकि अभी दो रूम हो गया, तो दोनों उसमें भी इसमें सारा सामान सजा सजा के रख देते हैं, और इसमें भी जैसे रखे स्टैंड का है तो उसमें भी सजा कर रह जाता है। भाई और पापा का बिस्तर लगा ही रहता है, क्योंकि जब भी भाई आता है आके सो जाता है यहाँ पर। पापा भी उन लोग का बिस्तर समेट देंगे तो गुस्सा होने लगते, झाड़ के सिर्फ जैसे था उसी तरह कर देते हम लोग। यही बात है। चलो दोस्तों बाय।